दतिया जिले के नवागत कलेक्टर बीएच जामोद ने पत्रकार वार्ता कर दतिया की जन समस्याओं और भविष्य में होने वाली परेशानियों के बारे में विस्तार से जानकारी लेकर उनके निराकरण की तैयारियों का जायजा लिया। वहीं कलेक्टर जामोद ने दतिया शहर के धार्मिक स्थलों, पेयजल व्यवस्था, नदी नालों, तालाबों के बारे में भी जानकारी लेकर तुरंत कार्रवाई करने के आश्वासन दिए। ट्रैफिक व्यवस्था को भी सुधार करने की जानकारी जब पत्रकारों द्वारा कलेक्टर जामोद को दी गई तो बाजार में होने वाली ट्रैफिक अव्यवस्था के कारण आम जन को होने वाली परेशानियों में जल्द ही सुधार किया जाएगा, ऐसा आश्वासन भी दिया। योगा अभ्यास के बाद कलेक्टर बी एस जामोद सीधे जिला चिकित्सालय पहुंचे, जहां पर फैली अव्यवस्थाओं को देखकर खासे नाराज नजर आए। जिला चिकित्सालय में साफ सफाई, कूलर, एसी, पानी की व्यवस्था और बाजार से मंगाई जा रही मरीजों द्वारा दवाइयों का कारण जाना और किसके निर्देशन पर यह दवाई मंगाई जाती है, यह भी बात जब उनके संज्ञान में आई तो उन्होंने संबंधित अधिकारियों को फटकार लगाकर व्यवस्था को दुरुस्त करने का निर्देश दिया। दतिया से राकेश सिंह सिसोदिया की रिपोर्ट। हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी, यहाँ चूंकि भारी संख्या में श्रद्धालु आते हैं, तो श्रद्धालुओं को किसी तरह की दिक्कत नहीं हो, बहुत अच्छे ढंग से दर्शन करें और फिर खुश होकर दर्शन करके स्थान चलें। तो इसमें जो जो सुविधाएं होंगी, हमारा प्रयास ये होगा कि श्रद्धालुओं के लिए सारी सुविधाएँ हम उपलब्ध कराएँ। इसके अलावा दतिया शहर में भी विभिन्न कार्य हैं, विकास के कार्य हैं, तालाबों का सौंदर्यीकरण है, मार्गों का सौंदर्यीकरण, सुदृढ़ीकरण है। इसके अलावा डेवलपमेंट में अगर हम देखें तो पूरे जिले में रोड का कार्य सही ढंग से संचालित हो। इसके अलावा जो प्राथमिकता में आम जनता के लिए है वो पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये हमारी प्राथमिकता। आज आपने पर्यटन होने की किया, क्या लगा? पर्यटन होने के बावजूद भी पर्यटन को बढ़ावा नहीं मिल रहा है, उसके लिए कोई कार्य योजना बनाई? हाँ, निश्चित तौर पर आप सब लोगों के सहयोग से और जनप्रतिनिधियों के मार्गदर्शन में मैं कोशिश करूंगा कि दतिया प्रॉपर में भी और दतिया जिले के लिए पर्यटन के विकास के लिए जो महासंभावना है उसमें हम प्रोजेक्ट तैयार करें और उस दिशा में हम निरंतर आगे बढ़ेंगे। आज मैंने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल दतिया का अकस्मात निरीक्षण किया, उसमें कुछ अव्यवस्थाएं मिली हैं, जैसे सही ढंग से सेवाएं नहीं देना, सफाई का अभाव। इसके अलावा कुछ मरीजों के पास हमने ये भी देखा है कि डॉक्टर्स ने बाज़ार से दवाइयाँ खरीद के बुलवाई हैं, ये बहुत आपत्तिजनक है। इसमें मैंने कड़ा कदम उठाया है और डॉक्टर को शोकाज नोटिस भी जारी किया है और सख्त हिदायत दी है कि अन्यथा इस तरह की कोई शिकायत नहीं मिलना चाहिए। और आज जिन मरीजों को ये पाया गया कि वो बाज़ार से दवाइयाँ खरीदने के लिए पर्ची लिखी थी, हमने निर्देशित किया है कि वो दवाइयों का पैसा वो संबंधित मरीज को पेमेंट करें। गेहूं उपार्जन को लेकर किसानों को काफ़ी दिक्कत है, उनका भुगतान अभी तक नहीं। हाँ, 2 या 3 सोसाइटी में इस तरह की दिक्कतें हैं, वो हम कोशिश कर रहे हैं कि यथाशीघ्र समाधान हो जाए और किसानों को उनका भुगतान। सर, जिले में अवैध रेत उत्खनन बड़े चरम सीमा पर चल रहा है, क्या रोकथाम के लिए क्या व्यवस्था? हमने लगातार इस पर निरीक्षण किया है, रात को भी